नमस्कार, आदाब देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, एबीपी नेटवर्क पर ये खास कार्यक्रम आजाद हूं मैं लेकर आया हूं मैं शेखर सुमन। भारत भले ही आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा हो, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल, लेकिन आज भी देश में अधिकांश आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रही है। ऐसे हालात में कोई ऐसा है जो पिछले 25 सालों से आम लोगों को असली आजादी दे रहा है, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहा है और उनकी जिंदगी बदल रहा है, और जिसका नाम है मोदी के। उस मोदी केयर की वजह से आज लाखों लोग जेब में पैसे और दिल में विश्वास, बल्कि आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कह पा रहे हैं आजाद हूं मैं। 1996 में शुरू हुई देश की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की दास्तान से आपको रूबरू कराने के लिए आज हम इस खास प्रोग्राम को आपके बीच लेकर आए। लेकिन यहां मौजूद खास मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के हर इंसान के सपनों को पूरा करने में जुटी कंपनी मोदी केयर की कहानी। हैव अ लुक। यूं तो सूरज सदियों से रोज आता है, लेकिन 30 मार्च 1996 को जब सूरज आया तो सिर्फ नया सवेरा नहीं, उसके साथ नए संकल्पों की एक नई रोशनी भी आई थी। इस रोशनी का नाम था मोदी केयर। यह नन्ही कोपल उसी वटवृक्ष का हिस्सा थी जिसे भारत भूमि पर रोपा था राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने। साल था 1933। तब स्वदेशी जन जन का संकल्प था। आजादी के लड़ाई के उसी दौर में महाराजा ऑफ पटियाला के फाइनेंस मिनिस्टर रहे राय बहादुर गुजरमल मोदी जी भी कुछ खास करना चाहते थे जिससे इस देश और इसके लोगों को फायदा मिले। स्वजन और स्वदेश हित के इसी ख्याल के साथ अपनी जेब में बस ये 400 रुपए और उद्योगों से राष्ट्र निर्माण का इरादा लेकर वो दिल्ली के करीब बेगमाबाद आए। यही बेगमाबाद अब बन गया है आज का मोदी नगर। इसी शहर में उन्होंने 1933 से 1972 के बीच 27 उद्योग लगाकर इसे एक इंडस्ट्रियल टाउन की पहचान दी। आजाद भारत में औद्योगिक विकास, समाज सेवा, शिक्षा में सुधारों जैसे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। महान उद्योगपति गुजरमल मोदी जी के कारोबार और राष्ट्र सेवा के संस्कार की विरासत को उनके बाद उनके बड़े बेटे कृष्ण कुमार यानी के मोदी ने संभाला। उन्होंने बदलते दौर में नए भारत के लिए जरूरी नई तकनीकों, सेवाओं और उत्पादों को भारत लाने के विजन के साथ कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया और मोदी ग्रुप को दुनिया के 120 देशों तक फैलाकर नई बुलंदियों पर पहुंचाया। पिता के सिद्धांतों और उनके नए विचारों के मिश्रण ने उन्हें एक बेहतरीन बिजनेस लीडर की पहचान दी और उन्होंने फिक्की, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और काशी जैसे देश विदेश के उद्योग जगत की बड़ी संस्थाओं का नेतृत्व भी किया। 2019 में मल्टी बिलियन डॉलर्स के बिजनेस एम्पायर मोदी एंटरप्राइजेस की पहली महिला चेयरपर्सन बनी के मोदी की पत्नी डॉक्टर बीना मोदी। मोदी ग्रुप की कमान संभालने से पहले ही अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े ब्रांड्स की स्थापना करने वाली देश की कामयाब बिजनेस वुमन डॉक्टर बीना मोदी ने मोदी एंटरप्राइजेस की पीपल फर्स्ट की फिलॉसफी को कायम रखा है। उनकी लीडरशिप में मोदी ग्रुप ने लोगों और भविष्य की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित डॉक्टर बीना मोदी मोदी केयर फाउंडेशन की मेंटोर भी हैं। उनका एक ही मंत्र है, जो पाओ
उसे समाज को वापस लौटाओ। अपने दादाजी की राष्ट्र निर्माण की सोच ने मोदी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य पिता के मोदी और माँ डॉक्टर बीना मोदी के बेटे समीर मोदी को भी बचपन से ही प्रेरित किया था। उन्हें हमेशा से अपने परिवार की समृद्ध एवं गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का आभास था। इसीलिए 90 के दशक में अमेरिका में पढ़ रहे समीर मोदी ने अपने दादाजी और पिताजी की तरह भारत में ही अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक नया आइडिया सामने रखा। ये आइडिया था भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने का। डायरेक्ट सेलिंग यानी अपने उत्पादों को आम लोगों की संख्या और उनकी शक्ति के इस्तेमाल से बेचना और बदले में उन लोगों को उस मुनाफे का सीधा हिस्सेदार बनाना। समीर मोदी के इस नए आइडिया में दम था और इरादे नेक थे। बस फिर क्या था, छोटे से निवेश, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करने के मंत्र ने देश के आम लोगों की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। मोदी केयर के बिजनेस कंसल्टेंट्स की मेहनत और विश्वास के दम पर 1996 से 2002 के बीच पहले 5 सालों में ही कंपनी नई ऊंचाइयों को छूने लगी। इस बीच जीतने की जिद और खुद को साबित करने का जुनून दिखाते हुए समीर मोदी ने कलर बार नाम का एक कॉस्मेटिक ब्रांड बनाया जो आज देश का एक लीडिंग ब्रांड बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने 7 दिन 24 घंटे खुलने वाले 24/7 कन्वीनियंस स्टोर्स की चेन देश में खोलनी शुरू की। लेकिन अपने बिजनेस से ज्यादा उनका मन देश के लोगों को आगे बढ़ाने और उन्हें आर्थिक आजादी देने में था। इसलिए उन्होंने 2015 में एक बार फिर मोदी केयर के जरिए देश के लोगों को आवाज दी और कहा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। समीर मोदी मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर्वाधिक भुगतान करने वाले कॉम्पेंसेशन प्लान्स में से एक लेकर आए। साथ ही प्रोडक्ट्स रेंज में इनोवेशन, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी प्लान लाने जैसे कई बड़े बदलाव किए, जिससे मोदी केयर में लोगों का भरोसा पहले से कई गुना बढ़ गया। आज 14 कैटेगरीज में 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 12,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और देश भर में 55 से ज्यादा मोदी केयर सेंटर्स के नेटवर्क के साथ मोदी केयर देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक है, जिसके साथ 53 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स जुड़े हैं। हर महीने इस आंकड़े में 2 लाख नए डायरेक्ट सेलर्स जुड़ते जा रहे हैं। इस साल अपने 25 बरस पूरे करने वाली मोदी केयर के जरिए समीर मोदी देश के आम लोगों को सही मायनों में आजादी दे रहे हैं। आजादी जी भर के कमाने की, आजादी खुलकर जीने की, आजादी अपने हर सपने को पूरा करने की। तो आप भी अब और इंतजार मत कीजिए, मोदी केयर के साथ सपने देखिए और उन्हें सच करने में जुट जाइए। इस परिवार की निष्ठा और देश सेवा की भावना ही आज हमें मोदी केयर के रूप में नजर आती है। मोदी परिवार के इस जज्बे को सलाम करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच यहाँ कई खास मेहमान उपस्थित हैं और इन मेहमानों के बीच वो शख्स भी है जिसने मोदी केयर की नींव रख के हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को उनके सपनों को सच करने की हिम्मत दी। सो लेडीज जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग वन ऑफ इंडियाज लीडिंग बिजनेस लीडर्स, द वन एंड ओनली मिस्टर समीर मोदी। समीर जी, मोदी केयर जैसी कंपनी को बनाने और लोगों को असली आजादी देने का ख्वाब आपने कैसे देखा और इस ख्वाब के पीछे वजह क्या थी? 28 साल पहले मैं और मेरे पिताजी न्यूयॉर्क में थे जी, और हमें कोई लोग मिलने आए और एक औरत आई मेडिसिन विटामिन बेचने, तो उन्होंने कहा कि क्या काम करती हो? हाँ। तो ये इस कंपनी काम करती हो, तो और क्या करती हो? उन्होंने कहा जी मैं तो पार्टनर हूँ मैकिन्ज़ी में। अच्छा, तो मैं आप पार्टनर हो मैकिन्ज़ी में और डायरेक्ट सेलिंग कर रही हो? जी तो इस डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा मुझे फाइनेंशियल आज़ादी मिली है। ओके। और जो मुझे आज अपना जॉब नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा कि ये हिंदुस्तान में अगर लाएँ तो हिंदुस्तान में क्या होगा?
सिर्फ भगवान भरोसे नहीं, खुद के भरोसे अगर आजादी हम दे पाए जी, तो एक और ही उसका बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे सवाल एक और ये उठता है कि जिस आजादी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि हम उस नौकरी को छोड़ के जिसमें भी हम, जिससे भी हम संलग्न हैं, उसको छोड़कर ये करें, या ये करते हुए भी वो कर सकते हैं? तो मेरा विचार है कि जी जो आप काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, मोदी गैर का धंधा भी करिए, नेटवर्क मार्केटिंग भी करिए जी, और जब इसकी इनकम आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाए हाँ, तब फुल टाइम जुड़िए, तब फुल टाइम जुड़िए। ये नहीं है कि मैं धंधा छोड़ दूं, रोड पे हो जाऊं, हाँ, और फिर कोशिश करूं जी पैसा बने जी जी। पता तो चला कि पता चला कि यहाँ से भी गए वहाँ से, हाँ जी, हाँ जी। ना खुदा मिला ना विसाले सनम। तो और ये बताइए कि पिछले ये 25 सालों का जो ये सफर रहा है, और आज उसी को हम लोग कमेमोरेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये तेजी जो पिछले कई दिनों से आई है, वो अचानक कैसे आई है, क्यों आई है, इसके पीछे क्या राज है, वजह क्या है? मैं बहुत सेमिनार करता हूँ, लोगों को बात मोटिवेट करता हूँ जी, और एक दिन मेरे जवान थे ये निकला, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ट्रू आज़ादी लेने के लिए सोच बदलनी पड़ी, ट्रू। तो हमने सिर्फ आज़ादी से बात करना, सोच पे बात करने लगे, हाँ, और वही है जो सच्ची आज़ादी लेकर आ रहा है, सोच। सोच, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है, कि मेरी जिंदगी में जो मैंने अपना लगा सोच हाँ बदलने का, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी जो 5 साल पहले थी और जो आज है वो बहुत अलग है, और इसी को मैं आज अपने अपना जो है मंत्र बना लिया है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं नहीं बदलूंगा, तुम बदल जाओ, आप किसी और को नहीं बदल सकते जिंदगी में, बदल सकते हो तो अपने आप, बिल्कुल। और जिस दिन आपने सोच लिया अपने आप को बदलने के लिए, उस दिन आपकी दुनिया बिल्कुल, और वो बदलना हमारे इख्तियार में। हाँ जी, ये जो जो लोग बैठे हैं इनके चेहरों की ओर मैं देखता हूँ तो एक अजीब सी खुशी और एक एक नशा भी दिखता है इनके चेहरे पे, क्योंकि जिस राह पे ये चले वो राह जो है उनको उनकी मंजिल तक ले गया और ले जा रहा है और ले जाएगा। राइट नाउ एट दिस मोमेंट आप इनकी आंखों में आंखें डालकर इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया, और ये मोदी के फैमिली मेम्बर नहीं है, ये हमारे हीरे हैं, इन हीरो के द्वारा और हीरे बनते हैं जी, ये हीरे भी हैं और हीरो भी है, हीरो हीरो दोनों हैं। हाँ। इन्होंने ये दिखाया है मुझे, पूरे देश को, कि कोयला भी हीरा बन सकता है, बिल्कुल। और एक और चीज बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में होता है कि आप ऊपर मत चढ़ो, मैं ही रहूंगा ऊपर, इन्होंने उस सोच को बदला है जी जी, कि जो मैं हूं वो आप बनो। और मेरा ये इनके सिर्फ एक ही मैसेज है पूरे हिंदुस्तान को और जो मेरे फैमिली मेंबर यहां बैठे हैं, कि मैं चाहता हूं सब समीर मोदी से बड़ा बने, सबके पास अपना खुद का जो कहते हैं एम्पायर हो। वाह, बहुत खूब। और जिस राह पे ये निकले हैं, जिस गति से ये आगे बढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा कि अगर देखना है मेरे उड़ने का अंदाज तो आसमान से कह दो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। और आपकी बातों में और आपकी भावनाओं में जो ईमानदारी दिखती है वो लोगों तक पहुँच रही है, और इसी वजह से ये जो फैमिली जिसको आप परिवार कह रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक चीज़ है लाइफ में जी जो मैं सबको कहता हूँ, सोचो मत, बदलो, बनो। मोदी जी और मोदी केयर जो कहते हैं वो सिर्फ कहते नहीं, वो करके भी दिखाते हैं, और दिस इज़ क्वाइट एविडेंट। मोदी केयर की पिछले 25 वर्ष की लंबी कहानी में ऐसे कई किरदार हैं जिन्होंने ज़मीन से आसमान की बुलंदियों का सफ़र तय किया है। मोदी केयर के साथ आने के बाद इनकी दुनिया बदल गई। मोदी केयर ने उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। Am I right? That's right. आइए हम भी सिर्फ बातें नहीं करते हैं, सीधे आपको दिखाते हैं मोदी केयर के कंसल्टेंट्स की कुछ मैजिकल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज। हैव अ लुक। सपने बड़े चंचल होते हैं, बंद आंखों से दिखते हैं फिर ओझल हो जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को कैद कर लेते हैं। वो अपने सपनों को हर दम जीते हैं, क्योंकि उनके सपने खो जाने के लिए नहीं, सच हो जाने के लिए होते हैं। ये भी ऐसे ही लोगों की कहानी है जिन्होंने सपने देखे, बड़े सपने, सपने मुश्किलों के दौर से आजाद हो जाने के, सपने संसार की हर शय को पाने के, सपने हर दम मुस्कुराने के, और अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने उसे चुना
जिसने उनके लिए खुली आंखों से दिखने वाला सपना बुना। आइए अब आपको बड़े बड़े सपनों को सच कर दिखाने वालों की दास्तां सुनाते हैं। देखिए खुद उनकी जुबानी, उनकी ये अद्भुत किंतु सत्य कहानी। वो बहुत सारी लिमिटेशन, सिर पे घूंघट था, मुझे एक भाषा सिर्फ हिंदी आती थी। धीमे धीमे मेरा आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और मुझे लग रहा था बस लाइफ माइनस में जा रही है। मैं गरीबी, दुख, दर्द, अपमान, बेइज्जत सब कुछ मैं देख के आ चुका हूँ। मेरा पिताजी की लाश जलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जॉब के साथ इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी क्योंकि बहुत कम टाइम आई वॉज एबल टू स्पेंड एट होम। दो टाइम खाने का भी चैलेंजेस होता है, उस पोजीशन के अंदर मेरी लाइफ चल रही थी। बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, होम अप्लायंसेस का बिजनेस किया अपने फादर के साथ, गारमेंट्स का बिजनेस किया, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया, और जब कुछ नहीं था तो एक दुकान खोल के बैठ गए। फादर ने कहा कि बस और कुछ नहीं है, दुकानदारी करो। माय फादर वाज अ बीडी वर्कर एंड दे हैविंग सेवन चिल्ड्रन, देन ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ माय ड्रीम्स। बहुत पैसे थे हमारे घर में, गाड़ियां थी, बंगलो थे, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी इंडिपेंडेंस नहीं थी, अपनी आज़ादी नहीं थी अपने सपनों को जीने की। लगभग 22 लाख के नुकसानी करके बैठा था, खाने के वांदे थे एक्चुअली। और उसी वक्त मेरी लाइफ में मैं समझता था कि दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, वही डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आया मोदी केयर के नाम से। मोदी केयर मेरा बिजनेस की बिजनेस नंबर 33 है, उससे पहले 32 किस्म बिजनेस में कर चुका था। भगवान खुद नहीं आते हैं लेकिन वो किसी को भेजते हैं, और समीर सर आए हमारी लाइफ में। वो जितने भी न्यूज़पेपर के नीचे सपने रखे थे सब उभार लिए और इस बिजनेस पर काम करना शुरू किया। लोगों के लिए ये सपने पूरे करने का बिजनेस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये लाइफ बचाने का बिजनेस है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज नजर आई कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मैं जो पाना चाहता था, लाइक मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, वो सब कुछ यहाँ से मिल सकता था। हमें नजर आया था कि हिंदुस्तान में वापस सोने की चिड़िया, दूध की नदियाँ यहाँ से बहने वाली है। हमें ये बात समझ में आई कि हम अपने खानदान की सबसे बड़ी गाड़ी चला सकते हैं। हमें ये बात समझ में आई हम अपने पूरे मोहल्ले परिवार के सबसे बड़े घर में रह सकते हैं। जिस तरीके का भी हमारा सपना है वो इस इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है। सुन के आया था कि लाख का इनकम होगा। दोस्तों आज का तारीख में हर महीना हमारा परिवार की मंथली इनकम होता है 30-40 लाख रुपीज। सन ऑफ बीडी वर्कर नाउ ही इज पेइंग अराउंड 4-5 लाख एज जीएसटी एवरी मंथ। और 8 साल के अंदर लगभग मोर देन 10 करोड़ रुपीज में अर्न कर चुका हूँ। वी बॉट आवर न्यू हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस इन द हार्ट ऑफ बैंगलोर सिटी। वो सुरेखा भार्गव जो कभी माउंट आबू भी नहीं गई थी, आज 50 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 3 मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, बेटे को एक वॉल्वो गिफ्ट कर चुकी हूँ। नाउ आई हैव जस्ट बॉट माय ब्रांड न्यू रेंज रोवर विला। इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ समय बिता पाया। आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है ना, मुझे मौका मिला बहुत सारे लोग की जिंदगी को टच करने का। इन माई टीम नाउ वी हैव क्रिएटेड मोर देन 60 मिलियनर्स, दैट मींस दोस पीपल आर अर्निंग अराउंड 1-6 लाख रुपीज एवरी मंथ। मोदी के आजादी सपनों को जीने की। तो देखा आपने कि कैसे एक बीड़ी फैक्ट्री के वर्कर का बेटा आज एक लग्जरी गाड़ी यानी BMW चलाता है। आजीविका के लिए बार बार अपना काम बदलने वाले के दिन ऐसे बदले कि जमाना उसे सलाम करने लगा। तो किसी हाउसवाइफ की करिश्माई कामयाबी ने उसे सिर्फ न सिर्फ उसे अपने घर परिवार का ही बल्कि मोदी केयर के 50 लाख कंसल्टेंट्स की फैमिली का एक बड़ा सितारा यानी कि सुपरस्टार बना दिया। फैंटास्टिक। आज मोदी केयर के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से अपने हाथों अपनी किस्मत बदलने वाले ऐसे तमाम मोदी केयरियंस हमारे बीच हैं। चलिए एक एक करके कुछ लोगों को मंच पर बुलाते हैं और उनसे जानते हैं जिंदगी बदलने की उनकी कहानी और आखिर क्यों और कैसे वो कह पा रहे हैं हाँ आजाद हूं मैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पे सुरेखा भार्गव जी को। यहाँ प्लीज स्टेज पे आए, तशरीफ लाएं। नमस्कार। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मोदी केयर के इतिहास में सबसे कामयाब शख्सियत है, इज इट ट्रू? तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लिविंग द मोदी वे है, आपका नजरिया
उसके प्रति क्या है, और ये जो लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? आज़ाद हूँ मैं, बस ये एहसास ही है लिविंग द मोदी वे। आज़ादी, अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने की आज़ादी, अपने सपनों को जीने की आज़ादी, जो ज़िंदगी में करना चाहें वो करने की आज़ादी, जो पाना चाहें, जो बनना चाहें वो बनने की आज़ादी, बस ये ही है लिविंग द मोदी वे। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो सोच भी नहीं सकते थे, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, बहुत सारी पढ़ाई करके डॉक्टरेट कर ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी कर ली, पर जैसा कि आपने देखा कि सारे सपने अखबार के नीचे दबा रखे थे, और तब ऐसे में एक मोदी घराने का, एक मसीहा आना, उनका हाथ बढ़ाना, उस समय जब घर में सब कह रहे थे कि हम हैं ना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय इनका, समीर मोदी जी का ये कहना कि तुम करो ना, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो बहुत हार्ट वार्मिंग था। एक्चुअली हमें पता था कि ये सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए और सब कुछ इनके पास था, पर ये अपने कम्फर्ट जोन में नहीं थे ना, ये तब भी प्रोग्रेसिव थे, कुछ करना चाहते थे, अपने लिए कुछ करना चाहते थे, अपने सपने पूरे करना चाहते थे, दूसरों के सपने पूरे करना चाहते थे, डेली बेसिस पे लोगों को जीना सिखाना चाहते थे, और हमसे कह रहे थे तुम भी पा सकते हो। तो उस वक्त बस मजबूरी कोई सामने नहीं आई, और हमने फैसला किया कि हाँ, हम भी लिविंग द मोदी वे करके देखेंगे, हम भी किसी दिन कहना चाहेंगे आई एम लिविंग द मोदी वे। शेखर जी, इट्स अमेजिंग, सफलता के लिए सारी ज़िंदगी निकाल दो मजबूरियों के नाम पे, उसकी बजाय जल्दी जल्दी कुछ करो, सफलता पाओ और फिर हमेशा के लिए इंजॉय करो लाइफ को, ये सिखाया है हमें मोदी वे ने, और हम इन्हीं के सिखाए हुए तरीकों पर चल रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हम बसों में जाया करते थे, हम लोग कहीं ट्रिप पे जाते थे, बस में जाते थे, समीर मोदी जी अपनी पोर्शे, अपनी BMW साथ लेकर के जाते थे, और हमें इशारे से कहते थे यू कैन डू इट, तुम ये गाड़ी चला सकते हो। इसको कहते हैं कि जब एक बड़ा घराना आपको सिखाए कि कैसे सफलता पाई जा सकती है। कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े व्यावसायिक घराने हैं पर वो सफलता डुप्लीकेटेबल नहीं है, वो किसी को सिखाते नहीं है। समीर मोदी जी ने एक तरीका निकाल दिया मोदी केयर के नाम का, कि जो सफलता, जैसी सफलता मैं जी रहा हूँ वैसी सफलता तुम जी सकते हो, तो उसके बाद तो उड़ान भरना आज़ादी की फिर बनता है। और ये काम खाली आप अपने लिए ही नहीं करो, ये काम आप दूसरों के लिए भी कर सको, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी पॉजिटिवली टच कर सको, उसको कहते हैं लिविंग द मोदी वे। और गुड न्यूज़ ये है, हर कोई, हर हिंदुस्तानी, हर इंसान जो सांस ले सकता है ना, वो मोदी वे को लिव कर सकता है। ये कुछ लोगों की जागीर नहीं है, ये कुछ लोगों की जायदाद नहीं है, जो भी ठान लेगा इस लिविंग द मोदी वे की कोई प्राइज नहीं है अदर देन ड्रीम्स एंड कमिटमेंट, कोई भी जी सकता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। ये अभी अनिवार्य हो जाता है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप ये बिजनेस पार्ट टाइम में भी करेंगे In the next 3 years, you don't have to work for the rest of your life. चाहे सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समीर सर और मोदी केयर हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक। आजाद हूं मैं, ये खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं शेखर सुमन, और आज हम आपको दिखा रहे हैं बीते 25 सालों से देश के आम लोगों को असली आजादी देने वाले मोदी केयर की दास्तान। अब मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा फिलिप सिंह जी को। आप और आपकी पत्नी पावर कपल के तौर पे जाने जाते हैं। आपकी कहानी में जो खास बात है वो ये कि आपके पास पहले से एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड, बहुत ही सिक्योर, एक बहुत ही सेट करियर था। एक बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, राइट? एम आई राइट? और दमिंदर सिंह जी जो उनकी वाइफ हैं वो भी मार्केटिंग में बहुत अच्छा खासा काम कर रही थी, एंड शी वॉज क्वाइट अ हैप्पी वूमेन एंड शी वॉज वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट शी वॉज डूइंग। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, आपने वो करियर छोड़ के एक ऐसा करियर अपनाने को सोचा जो जिससे आप वाकिफ नहीं थे और उसमें रिस्क भी शायद बहुत था, सो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू? एक्चुअली व्हेन आई वाज इन स्कूल एक ड्रीम था मेरा कि मैंने बोला मैं करने के लिए रेडी हूं, एनीथिंग आई एम रेडी टू डू, आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, बट आई वांट टू 40 साल के बाद आई वांट टू बी फ्री। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथ्स, अ हाई जंप चैंपियन नेशनल लेवल, अ टू व्हीलर 6 टाइम्स विनर। Wow.
an engineer, worked for Hindustan Aeronautics. Life never changed. My wife and I, Nina, we worked from morning to night to take care of our two children. I was an officer by rank, but nothing in the bank. And finally, ek din Nina ne Modi Care business dekha, joined kiya, aur main office se aaya, and she put all the products hall room mein rakha, aur bola, Philip, humne ek naya business chuna, now our life is going to change. Main bola, Nina, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के एयरक्राफ्ट कैसा 2 degrees चेंज होता है एज अ क्रू चीफ विद सो मेनी इंजीनियर्स अंडर मी लाइफ चेंज नहीं हुआ तो इससे कैसे हो क्या कह रहे हैं और छोड़ दिया लेकिन लेटर जब मैं एक मीटिंग अटेंड किया तो मैं देखा था कि यही है हमारा ड्रीम यही है जो लड़का एक 19-year-old बॉय स्टेज में कह रहा था कि अगर आप ये बिजनेस पार्ट टाइम में भी करेंगे इन द नेक्स्ट 3 years यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वही था मेरा ड्रीम और वो ड्रीम आई वॉक्ड आउट फ्रॉम देयर आई वेंट बैक टू माय ऑफिस एंड टोल्ड माय जूनियर्स नेक्स्ट 3 years आई एम लीविंग दिस जॉब मुझे कुछ नहीं पता लेकिन वो ड्रीम बहुत नजदीक था एंड आई न्यू फ्रॉम दैट डे आई वॉज फ्री I was already feeling that freedom in my heart. And exactly 3 years later, part-time we did the business, I resigned from my job and became a free man. See, when you look at your dream, which is very powerful, Philip, 3 saal mein aap free hone wala hai. You don't have to go back to work. That's the time when you're ready to go and do whatever it takes. Or I said, I will do whatever it takes, but I want to become free. Fantastic. Thank you so much, Dr. Philip. Thank you so much. Please take your seat. And now, ladies and gentlemen, may I invite Pramod Acharya ji on stage, please. Pramod ji, आपको देखकर और आपके चेहरे की ओर देखकर और आपकी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कभी डिप्रेशन के शिकार थे आपकी जिंदगी में बिटरनेस थी तलखियां थी और उस सब से निकलकर अपने आप को आपने कैसे तब्दील किया एक बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान के रूप में जब मेरा जिंदगी में बुरा वक्त चलता था मुझे भी लगता था कि ये जिंदगी ऐसे ही चला जाएगा आम इंसान तरह चला जाएगा मगर एक इंसान मुझे 23 साल पहले आके बोला कि मोदी करके बढ़िया बिजनेस है अगर तुम पार्ट टाइम में काम करेगा तुम लाखों में कमाएगा शुरुआत में मेरा विश्वास नहीं आया मगर जब मैं मोदी कर बिजनेस को डिटेल से समझा तो इमीडिएटली मैं डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा और लाखों का इनकम भी करूंगा आज मैं गर्व महसूस करता हूं एक बताने के लिए चाहे कि इंसान कितना भी बड़ा सपना लेके आए मगर मोदी केयर के जरिए मोदी केयर बिजनेस के जरिए वो उससे कई गुना ज्यादा सपना पूरा कर सकता है आज मैं इसलिए बात बताना चाहता हूं कि मैंने आया था 1 लाख इनकम करने के लिए मेरा तो कोई बड़ा इतना बड़ा सपना भी नहीं था आम इंसान था मैंने अगर उस दिन 23 साल पहले मुझे अगर कोई इंसान बोला होता कि जानते हो तुम 23 साल के बाद मोदी कर से हर महीना 30 लाख से 40 लाख रुपया कमाएगा तेरा 5 मकान होगा तू 8 गाड़ी खरीद करेगा ई क्लास मर्सिडीज तू चलाएगा और तू हर साल ये 23 साल में तुम 22 बार फॉरेन जाएगा अपना बीबी बच्चों को लेकर बिजनेस क्लास में ट्रेवल करेगा और तेरी वजह से हिंदुस्तान में कई 1000 लोगों की जिंदगी बदलेगा और एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारा शेखर सुमन जी के साथ मुलाकात होगा मोदी कर के जरिए से तो ये बात कभी मैं विश्वास नहीं करता मगर सच यही है अगर उस दिन मैं मोदी कर बिजनेस को अविश्वास करके छोड़ देता और इतनी बड़ी सफलता मेरा जिंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं होता चाहे आज एक इंसान की हालत कितना भी बुरा क्यों ना हो हर तकलीफ के बावजूद भी बड़ा बड़ा सपना दिखना चाहिए बिल्कुल और चाहे सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो समीर सर और मोदी केयर हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं ठीक है थैंक यू समीर सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तरुण बजाज जी को क्या कहना चाहेंगे अपने सफर के बारे में शेखर जी मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था मेरे फादर को क्रिकेट देखने का बहुत शौक था
और उनके क्रिकेट देखने के शौक ने मेरे अंदर शौक पैदा किया कि मुझे क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना मुझे हिंदुस्तान का दूसरा कपिल देव बनना है और हिंदुस्तान के लिए खेलना है। मैं क्रिकेटर बन नहीं पाया जी और एक ठप्पा लगा, ही इज़ अ फेलियर। और मैंने अपनी पढ़ाई भी वहीं पे छोड़ दी। अगेन एक ठप्पा लगा, ही इज़ अ फेलियर। फिर बहुत सारे काम किए बट कुछ नहीं मिल रहा था, तो अचानक मोदी केयर मेरे सामने आया और मुझे एक बात समझ में आई कि बेटा यहाँ पैसा तो लगना नहीं है, तो मुझे तो सिर्फ मेहनत करनी है और उसके लिए मैं तैयार था। सो आई स्टार्टेड द जर्नी और काम करना चालू किया मैंने मोदी केयर में। एक दौर ऐसा भी आया जब मैं मोदी केयर छोड़ के जाना चाहता था। मैं समीर जी के पास गया, मैंने मिलने गया इनको। मैंने कहा समीर सर मैं मोदी केयर में अब नहीं रहना चाहता। मैंने कहा मेरा ट्रस्ट टूट गया है मोदी केयर से, मेरा ट्रस्ट टूट गया है। अच्छा, ही सेड मेरे पे ट्रस्ट है और इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, ट्रस्ट मी, छोड़ के मत जाओ। वो कंधे पे हाथ आज भी मुझे महसूस होता है और मैं छोड़ के नहीं गया। और वो व्यक्ति जो हर जगह फेलियर 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 का ठप्पा लेके जी रहा था, वो कंकर जो रास्ते का कंकर बन गया था, आज उस कंकर को उठा करके समीर जी ने आज इस महफिल का सितारा बना दिया है विद शेखर सुमन। वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ एक लाइन समीर जी से सुनना चाहूंगा कि वो मकाम जब उन्होंने आके कहा कि मेरा विश्वास उठ गया है, किस तरह से आपने उनको मोटिवेट किया? हम छत पे मिले थे ऑफिस के, इतना जी मोदी की यार मेरे लिए नहीं है, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया और जो मेरा था ले लिया। तो मैंने सिर्फ एक चीज कही, वो ले लिया ना उसे भूल जाओ, आगे जो मिलेगा उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। तो बड़ी मुश्किल से ये समझाया मैंने तरुण जी को, फिर ये कहा अच्छा जी मैं देख लूँगा, मैं मान लूँगा। आज मुझे गर्व है कि उनका पूरा परिवार आज मोदी केयर में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और जिन्होंने मेरा विश्वास किया। शुक्रिया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। पानी के पाउच बेचने वाला बच्चा मेरी टीम के अंदर 5 से 6 लाख रुपया महीना कमा रहा है। एक सिंपल हाउसवाइफ जिसको कार नहीं आती, उसने 3 कार खरीद ली। तो ये जिंदगी जीने का नया तरीका है। आजाद हूं मैं। और अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगा अल्पेश हसमुख भाई गजर साहब को, कृपया स्टेज पे आए। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, इज़ इट राइट, और जहां करोड़ों का टर्नओवर, आप लाखों की कमाई थी, फिर ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आप इधर आ गए? कंपटीशन कहीं से भी आ सकती है। तो मेरा बिजनेस पीसीओ मशीन का था, मोबाइल आ गए जी तो करोड़ों का बिजनेस शट हो गया। ओके, लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। हाँ, एंड देन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। स्टॉक मार्केट में अट्रैक्शन हुआ और 1.5-2 करोड़ का लॉस कर दिया मैंने। तो मतलब एक सुसाइड पॉइंट आप कह सकते हो वो जगह थी। और कोई ऑप्शन नहीं था तब डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आया। और मैं खुद नेगेटिव था, लेकिन फिर मैंने अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देखा, प्रूवन अपॉर्चुनिटी देखा। जब सुरेखा मैम का पे आउट देखा, चेक देखा 52 लाख रुपया महीना, तो मुझे समझ में आया कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स अ प्रूवन अपॉर्चुनिटी। और जिस पहाड़ के ऊपर अगर आपको कुछ लोग दिखाई देते हैं तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आप वहाँ जा सकते हो। और आज हम यहाँ पे हैं और सारी खुशियाँ पा चुके हैं। आज़ाद हूँ मैं और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। समीर जी, इनके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? अल्पेश जी थोड़े अनोखे हैं। हाँ, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कि ये अपने मन में जो बात ठहन लेते हैं वो करते हैं। और ये मैं भी जानता हूँ कि जिस दिन खुश होते हैं मुझे लगता है मोदी का सही जगह पे जा रहा है, क्योंकि ये उसके जो हैं वो कहते हैं बैरोमीटर हैं जी। और आज मैं खुश हूँ कि इनके चेहरे में इतनी खुशी है। बिल्कुल सर। और ये, आप ये फिर आप कैसे और लोगों को कैसे इंस्पायर कर रहे हैं? देखिए ऐसा है सर कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को या मोदी केयर को ज़िंदगी जीने का नया तरीका बोलूँगा। इम्पॉर्टेंट वो नहीं है कि मैंने कितने पैसे कमाए, मेरा कर्ज उतर गया, मैं जगुआर घुमाता हूँ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आज मेरे इस बिजनेस में आने से आज हज़ारों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। पानी के पाउच बेचने वाला बच्चा मेरी टीम के अंदर 5 से 6 लाख रुपया महीना कमा रहा है। एक सिंपल हाउसवाइफ जिसको कार नहीं आती, उसने 3 कार खरीद ली।
तो ये जिंदगी जीने का नया तरीका है, आजाद हूं मैं, और हम इस मिशन को सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट लेडीज जेंटलमैन, हम बुलाने जा रहे हैं अब स्टेज पे मनोज जी को और मिसेस सारिका मलिक। मनोज जी, वेलकम टू द शो। आप मुझे बताया गया है एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपने और आपकी पत्नी सारिका जी ने मोदी केयर के साथ आने के लिए एक लंबी छलांग लगाई और आप लोगों का जो कोर कॉम्पिटेंस है वो है टीम बिल्डिंग, एम आई राइट? ये क्या है टीम बिल्डिंग एंड हाउ इज इट नेसेसरी फॉर द कंपनी? जब हमने डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी देखी तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहाँ पर हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपना कदम रखें, छोटी सी टीम बिल्ड करें और पता ही नहीं चलता कि वो 10 की टीम कब 100, कब 1000, कब 10,000 और कब 1,00,000 लोगों की हो जाती है। आज इन 9 सालों में हमारी टीम 5,00,000 से ऊपर की हो चुकी है, जबकि हमारी आज तक की जो टोटल टीम की हमने स्पॉन्सर की है वो सिर्फ 20-25 लोगों की है। और आज ये लाखों घंटे जो हम एन्जॉय कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये तो है ही कि आज हम BMW चला रहे हैं, आज हमारे बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे हैं, हर साल 2-3 बार फॉरेन घूम कर आते हैं। साथ ही साथ जब टीम में लोगों के सपने पूरे होते हैं, उनके घर में लग्जरी गाड़ी आती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। सारिका जी, आपका क्या कहना है? आप खामोश हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक पुराना सपना पूरा करूँ और एक महीने के लिए हॉलीडे पर स्विट्जरलैंड चली जाऊँ। आमीन। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे टीम काम कर रही होगी और जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे घर में वही हैंडसम इनकम आ रही होगी। और ये खुशी हमें ना जिंदगी के साथ ही नहीं मिलती, जिंदगी का के बाद में भी मिलती है। कब ना जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए भगवान के यहाँ से। तो ये मैंने ये यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखा है। हमारे एक टीम लीडर राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जिन्होंने शिद्दत से यहाँ पर 5 साल काम किया और एक अच्छी टीम बिल्ड की। Okay. और कोविड की जब दूसरी लहर आई तो अचानक उनका देहांत हो गया। बट उनके जाने के बाद जो इमोशनल सपोर्ट मोदी केयर फैमिली से उन्हें मिला, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, बट इमोशनली वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग हैं। और साथ साथ टीम की वजह से जो उनके घर इनकम जा रही है उसकी वजह से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। फैंटास्टिक। समीर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? समीर जी के बारे में तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये सोने के दिल वाले हैं, जिन्हें सिर्फ देना आता है और ये आज़ादी देते जा रहे हैं। और जितना लोग इनसे ले सकते हैं उतने लोग मोदी केयर से जुड़ते चले जाएं। फैंटास्टिक। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन भगवान के दूत को जरूर देखा है, जिनकी वजह से पूरे भारत में खुशहाली हो रही है। आज हम आज़ाद हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आज़ाद हो जाएगा। समीर जी, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिल रही हैं और जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, अगर आपको ये ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं, भगवान का रूप दे रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? भगवान हम सबके अंदर है। लोग सोचते हैं कि जो लोग बड़े घर में पैदा होते हैं उनको सब सुख मिलता है, ये गलत फहमी है कि उनका भी उतना ही दुख है, उतनी परेशानियां हैं जितनी आम जनता की है। और मैं चाहता हूं कि हर एक जना की जिंदगी परेशानियां ना आए, सिर्फ खुशियां आए। आपने लोगों को इतना कुछ दिया है, लोगों की जिंदगियां बदली हैं, तो उसके लिए हम हिंदुस्तान की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोथ ऑफ यू। आजाद हूं मैं इस खास शो की अगली कड़ी में देखिए बड़े सपनों के सच हो जाने की कुछ और बेमिसाल कहानियां, जो आपको बताएंगी कैसे मोदी केयर ने दी है हिंदुस्तान के आम लोगों को असली आजादी। देखना मत भूलिएगा आजाद हूं मैं। कैसी रहेगी जिंदगी अगर पैसा आपके घर में अपने आप आता रहे और वो भी बढ़ता रहे अगर मेहनत करेंगे तो। कई लोग सब्जी बेचते थे, वो लोग बेंस BMW आडी कार को चलाते हैं। मोदी केयर अगर पसंद आए तो भी कर लो, पसंद नहीं आए तो भी कर लो, यही फ्यूचर है। ये सिर्फ मोदी केयर की रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में नहीं पूरे जगत में, पूरी दुनिया में मोदी केयर का आजादी का झंडा लेके जाने वाले हैं। कम एंड बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, उस हिस्ट्री का, उस इतिहास का हिस्सा बनिए। आइए हमारे साथ जुड़िए।